कर्फ्यू जो था 24 तारीख को इसकी घोषणा हुई 24 मार्च को और 25 सुबह से लग गया था, सॉरी 24 जैसे घोषणा हुई तब से लग गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से चंद सवाल पूछना चाहूंगा आपके द्वारा, जो कि उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जो आम जनता पूछ रही है पर उनके पास कोई मंच नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं भी जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कोविड फंड बनाया, मैं केवल मात्र इतना जानना चाहूंगा, उसमें इम्प्लॉयज से पैसे काट के डाले गए, विधायकों की निधि काट के डाली गई, इम्प्लॉयज इवन डॉक्टर्स और नर्सेस की भी तनख्वाहें काट के उसमें डाली गई जो कि कंपल्सरी था, वो पैसा कहां खर्चा है? मैं कसुमटी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, आज तक एक भी पैसा जो है कसुमटी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं खर्चा गया और मैं समझता हूं पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं खर्चा गया। जो भी राशन बांटा गया है, जो भी मास्क बांटे गए थे, सैनिटाइजर बांटे गए थे या अन्य जरूरत की चीजें एसेंशियल आइटम्स बांटी गई थी, वो लोगों द्वारा इकट्ठी करी गई जो जनता में बांटी गई। हमारे को बोलने के लिए 3-3 लाख रुपए बोला गया था कि एसडीएम्स के पास आए हैं, उसमें उन्होंने मास्क भी खरीदने थे, राशन भी खरीदना था, मजदूरों को लाना ले जाने भी था। मैं जानना चाहता हूं क्या 3 लाख पर्याप्त था? एक पैसा भी अगर उन्होंने खर्चा किया होगा तो उसका जो रिकॉर्ड जो है वो जनता के सामने रखें। कितना पैसा इकट्ठा किया गया सीएम फंड में, उसका कोई भी हिसाब नहीं है। कोई आरटीआई में मांगेगा ना, माननीय ना हिंदुस्तान सरकार के पास इस चीज का जवाब है कि आरटीआई के अंडर नहीं आता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम नहीं आपको बता सकते किससे कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, वो आरटीआई के अंडर कवर्ड नहीं है। कितने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, राशन गवर्नमेंट फंड से बांटा गया, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करी जाए, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हमारे 12 कॉरपोरेशन वार्ड जो है कसुमटी विधानसभा क्षेत्र के अंडर आते हैं, वहां पे सैनिटाइजेशन वर्क भी हुआ, इम्प्लॉयज लगे रहे, लेकिन क्या जनता केवल कॉरपोरेशन वार्ड्स में ही रहती है, गांव में नहीं रहती? हमने अपनी निधि से माननीय डीसी महोदय, डीसी शिमला को 25 लाख रुपए जैसे कोविड शुरू हुआ अप्रैल के पहले हफ्ते में ही उनको हमने चिट्ठी लिख दी थी कि हमारे फंड से जो है जनता के लिए ग्लव्स, सैनिटाइजर ये इसकी खरीद करी जाए एसडीएम के द्वारा, और छिड़काव भी जो है हर घर में होना चाहिए। परंतु आज तक जो है माननीय डीसी महोदय ने वो सैंक्शन भी किया, सेक्रेटरी साहब से बात भी करी, पैसे भी आए डीसी ऑफिस, परंतु आज तक वो खर्च नहीं कर पाए। क्यों नहीं खर्च कर पाए, इस बात ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों केवल कॉरपोरेशन वार्ड में छिड़काव करा जा रहा है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव नहीं करा जा रहा? लोग किसान हैं, बागवान हैं, गरीब है, वो अपने पैसे से कभी भी छिड़काव का खर्चा नहीं उठा सकते। क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि उनको भी सैनिटाइजेशन की जरूरत है, या कोरोना जो है गांव तक पहुंचेगा नहीं, ये सोच रखते हैं? अगर मैं सरकार की तैयारी की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के पास, पूरे हिमाचल प्रदेश समूचे की बात करूंगा, कितने उनके पास वेंटिलेटर्स हैं? जब ये शुरू हुआ था हमने जानकारी ली थी, विपक्ष के उसमें एमएलएज भी थे, तो हमारी जानकारी के अनुसार केवल मात्र 60 जो वेंटिलेटर थे उसमें भी 3-4 खराब थे। क्या ये पर्याप्त है? आज भी क्या नई खरीद करी गई? क्योंकि करीबन 2.5 महीने होने को आए हैं और केसेस आपके सामने हैं, ये बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस पर्सनल्स, जो अधिकारी जो कोविड वॉरियर्स थे, उनसे क्यों पैसे काटे गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वो लोग दिन रात अपनी जो है जान दांव पे लगा के जो है कोरोना पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। आपके सामने ही है एसडीएम महोदय को, जो एसडीएम शहरी है, उनको जो है कोविड पेशेंट को रात को जलाने जाना पड़ा, और किस तरह से डीजल डाल के जलाया गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए एक टीम गठित होनी चाहिए। बाद में तीन आदमियों की
इन्होंने इंश्योरेंस के लिए बोला है, उनको 2,000 रुपए दे रहे हैं, कुछ उसमें होमगार्ड के एक दो हैं कुछ, लेकिन ड्राइवर्स को अभी तक नहीं दिए जा रहा। जो गाड़ी चला के जाता है उसको आज तक जो है कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, उसको कोई आज तक जो है कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या उनका परिवार नहीं है? मैं समझता हूं हर एक आदमी जो कि कोविड पेशेंट्स जो दुर्भाग्यपूर्ण जो वायरस की चपेट में आए हैं, जो उनकी सेवा में लगे हैं, सभी का इंश्योरेंस होना चाहिए, सभी को जो अतिरिक्त जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए, मेरा ये मानना है। ऐसे तो हम लोग हेल्थ के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्राइजेस भी समय समय पे लेते रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को ये प्राइज मिला है अच्छा कार्य करने के लिए हेल्थ सेक्टर में भी। पर मैं ये बात पूछना चाहूंगा, क्यों मंडी से शिमला कोरोना पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है जबकि नेरचौक में अरबों रुपए से बना हुआ एक ईएसआई का हॉस्पिटल है, यहां क्यों शिफ्ट करा जा रहा है? क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इक्विप्ड नहीं है इस चीज के लिए? क्या केवल मात्र टांडा और आईजीएमसी शिमला ही इक्विप्ड है? और अभी तो आपको पता है कि जनरल पेशेंट्स के लिए 1000 पेशेंट्स की ओपीडी है आईजीएमसी में, आज जो है वो भी बंद हो गई है। पहले ही रिपन हॉस्पिटल जो है जो कि ग्रामीण लोग जिसका जो ज्यादा इस्तेमाल करते थे उनके लिए तो पहले ही, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल पहले ही डिक्लेयर हो गया था, इसमें ओपीडीज बंद हो गई थी, इलाज ही बंद हो गया था। लेकिन आज जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है हम लोग समय समय पर आवाज उठाते आए हैं कि हम लोगों के पास जमीन है भट्टागुफर इस साइड मल्याना में, यहां पे हॉस्पिटल एक बनाया जाए, पर आज तक जो है उसकी कंप्लीशन नहीं करी गई। अगर ये होता है तो आज ये दिन ना हमारे को देखना पड़ता क्राइसिस के समय में। और जो पेशेंट शिफ्ट करने वाली बात है सरकार को, क्योंकि अभी केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको खुद पता है कि दिल्ली में 60% लोग जो है इफेक्टेड हैं, कितनी टेस्टिंग किट्स जो है हिमाचल प्रदेश ने खरीदी है। क्या मैं तो ये समझता हूं कि हर एक नागरिक जो हिमाचल प्रदेश का है उसका टेस्ट होना चाहिए। क्या इतनी किट्स अवेलेबल है इनके पास? जो सिटीजन्स जो हमारे नागरिक हैं हिमाचल प्रदेश को, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, परमिट्स की व्यवस्था करी, लेकिन कितने लोग लेके आए हैं? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम गोवा से बच्चे लेके आ रहे हैं, हम यूपी से बच्चे लेके आ रहे हैं, बेंगलोर से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से लेके आ रहे हैं। क्या उनसे पैसे चार्ज करे गए? क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार जो लोग हिमाचल प्रदेश ट्रेन्स में आए हैं, बसेस में आए हैं, श्रमिक आए हैं, माइग्रेंट आए हैं, उनको उनसे भी चार्ज किए गए हैं पैसे। इस बात का माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। और स्टूडेंट्स भी आए हैं, क्योंकि पूरा समूचा देश बंद हो गया था और सरकार ने बोला था कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल, बिजली और पानी के बिल हम लोग माफ करेंगे। क्या वो माफ करे गए? उल्टा इंटरेस्ट लगा के 3-3 महीने के बिल जो है उनको दे दिए गए और उसमें कोविड चार्ज सरचार्ज भी आपको पता है कि लगाया गया है। ये बिल्कुल अनुचित बात है, इसको वेव ऑफ होना चाहिए। एटलीस्ट जब तक कर्फ्यू इम्पोज था, दो महीने पूरा रहा है, उतने का बिल जो है वेव ऑफ जो है जनता ये पूछ रही है। हम टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश पूरा टूरिज्म के ऊपर बहुत आधारित है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट शिमला पूरा केवल टूरिज्म के ऊपर ही है। क्या स्टेप्स उठाए हम लोगों ने? जो होटल ओनर्स हैं, सबसे पहली बात, जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, एक तरफ सरकार बोलती है तनख्वाहें ना रुको, दूसरी तरफ वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट के लिए काम किया है? हजारों जो उसमें वेटर्स थे, टूरिज्म से हर चीज चलती है, चाहे दूध है, ब्रेड है, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अनेकों चीजें, हजारों चीजें जो है टूरिज्म से चलती है। आज जो है स्टैंड स्टिल हो गया है, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और पास इट ऑन कर रही है दूसरों के ऊपर के तनख्वाहें भी आप देंगे, सब कुछ आप करेंगे, बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। क्यों जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, जो होम लोन्स लिए हुए थे जिन्होंने, जो बिजनेस लोन्स लिए हुए थे, क्यों उसका ब्याज माफ नहीं हो रहा है? वो बोल रहे हैं कि हमने 3 महीने के लिए इसको मॉनिटोरियम पीरियड दे दिया है,
लेकिन ब्याज तो लगेगा, 3 महीने बाद तो वो और ज्यादा कर्जदार हो जाएगा। ये बात एक गंभीर विषय, सोचने वाली बात है। जिन लोगों के पास केवल मात्र जो फोटोग्राफी करते थे, जो घोड़े चलाते थे, क्योंकि खुद तो इंसान खा रहा है, अपने पशु को भी उसको खिलाना पड़ रहा है, क्या बेनिफिट जो है या राहत राशि के रूप में उन लोगों को प्रदान करी गई, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। हम एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करेंगे या बागवानों और किसान के बारे में। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए। जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो सब्जियां उगा रहे हैं, आज जो है 1 रुपए या 2 रुपए भी ऐसे हालात हुए हैं शुरू में कि गोभी जो 1 रुपए 2 रुपए सब्जी मंडी में बिक रही थी होलसेल, पहले वो तो लेने वाला ही कोई नहीं था, अगर है तो लोगों ने अपने ही खेतों में उसको सड़ाने के लिए छोड़ा कि सब्जी मंडी ले जाने में ज्यादा खर्चा है। उनको मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि उनको इमीडिएटली जो है सपोर्ट प्राइस जो है देना चाहिए। साथ ही जो फूल उगाते थे, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल से फूल जो है बहुत जाता है, और फूल एक ऐसी चीज है जो शादी में, खुशी में, गम में, हर जगह लगता है। जब सब कुछ ही बंद हो गया तो जानवरों को ही खिलाना पड़ा है उनको फूल, उनकी अपनी जिसको बोलते हैं जो फूल उगाते थे जो हमारे फार्मर्स हैं, करीबन मैं आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला की ही बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट शिमला में कम से कम जो है 15 से 20 करोड़ रुपए का फूल जो है दिल्ली मंडी में जाता है, केवल मात्र मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करूंगा। आज जो है उनको अपने खाने के जो लोग हैं, जो उगा रहे हैं, उनको अपने खाने के लाले पड़े हैं। कई लोगों ने केसीसी लिमिट्स बनाई हैं जो किसान हैं, किसी को लोन लेने का कोई शौक नहीं होता है। मैं मांग करता हूं कि जिन्होंने केसीसी लिमिट ली है, जिन जिन फार्मर्स ने और एग्रीकल्चरिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट ने, उनका इमीडिएटली जो है ब्याज माफ किया जाए। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, क्या इंडस्ट्रीज को या बिजनेसमैन को रिलीफ दिया गया है? हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस में भी हमने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जितने दिन लॉकडाउन था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो दुकानें हैं, जो किराए पे या लीज पे हैं जो प्रॉपर्टीज, उनसे किराया जो है ना लिया जाए जब तक वो खुले ना। अगर मैं इम्प्लॉय की बात करूंगा, रोज आए दिन आप लोगों के माध्यम से सुनने में आता है कि वर्कर्स को पैसे नहीं मिल रहे, या अब तो चिट्ठियां जो है गवर्नमेंट से इश्यू हो रही हैं कि आप हमारे को बताएं कि आपने